एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं यहाँ पे मसूर के दाल से ये बड़ी वाले सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, ये बहुत कम तेल मसाले में बन के रेडी हो जाएगी, तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मसूर वाले दाल, ये घर का मसूर का दाल है, जो इसे मैं भिंगोई थी 2 घंटा पहले, और भिंगोकर इसे मैं मिक्सी में पीसूंगी। और यहाँ पे आप लोग लाइन पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और ये बहुत ही, मतलब मैं इसको बड़ी छानूंगी नहीं, इसे स्टीम से पकाऊंगी, और स्टीम करके इसे मैं बनाऊंगी। तो इजीली बन जाती है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मसूर के दाल में मिर्ची और लहसुन और नमक डाल के मैं इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। नमक आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, पर नमक मैं ऊपर से नहीं डालूंगी, मैं मिक्सी में ही डाल के इसे ग्राइंड कर दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा बड़ी का रेसिपी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्टीम कर रही हूँ, ये बटर पेपर लगा दी हूँ, बटर पेपर थोड़ी सी घी लगा दीजिए और बटर पेपर पर इसे स्टीम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पानी में उबाल आ चुकी है और इसे मैं स्टीम करूँगी और इसे ढक दूँगी ताकि ये 5 से 6 मिनट में स्टीम हो जाती है। तो इसे देखिए, यहाँ पे स्टीम कर रही हूँ और आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे डाल रही हूँ तेल, और तेल में डालूँगी, देखिए बस इतना ही तेल में आपका सब्जी बन के रेडी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाले है। आप तो जानते हैं कि मसूर का दाल कितनी फ़ायदा होती है। तो यहाँ पे देखिए, फोरन डाल रही हूँ, सूखा मिर्ची और हरी मिर्ची, जीरा। तो इसे आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ही ये इजीली रेसिपी है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाकर खाइएगा। थोड़ी सी मैं इसे अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें हींग डाल रही हूँ, और आप लोग इसी तरह से बना कर देखिए। कम तेल मसाला में आपको बहुत हेल्दी ये सब्जी मिलेगी और टेस्टी भी मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे बच्चे लोग भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े लोग के भी बहुत पसंद आए। तो मैंने देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा स्टीम हो गया है। तब तक मैं दोनों करे बना रही हूँ, एक तरफ गैस पे मैं स्टीम कर रही हूँ क्योंकि एक बार में मेरा नहीं हुआ था, और दूसरी तरफ मैं इधर ग्रेवी का तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें लहसुन, प्याज और टमाटर इसमें मैं ऐड की थी, इसका पेस्ट बनाई थी आधी। और यहाँ पे ड्राई मसाला मैं डाल रही हूँ, जैसे में हो गया हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर हो गया, थोड़ी सी मीट मसाला। मीट मसाला का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें मैं मीट मसाला डाल रही हूँ। और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ क्योंकि आज भर लहसुन प्याज खाना था, तो मैंने सोचा इसे बनाती हूँ। कल से नवरात्रि शुरू है, तो कल से लहसुन प्याज बंद हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, नमक फिर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा। और ये आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, मसाला होने वाली है, देख सकते हैं आप लोग, मसाला भूनने वाली है, तेल इसमें से निकल रही है। तो इसमें मैं डाल दूँगी पानी, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि फुल वॉच करते हैं तो आपको रेसिपी तभी तो समझ में आएगी जब फुल वीडियो देखिएगा। आधा वीडियो में आपको एक भी रेसिपी समझ में नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो वीडियो आपके पास पहले पहुँचेगी। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ डेली, वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचेगी, आप लोग देख सकते हो। मैं जो भी वीडियो डालूँगी नए नए रेसिपी का, आप लोग देखकर बना सकते हो, क्योंकि कितना भी ज़माना बदल जाएगा, कितना भी मॉडर्न लोग आ जाएंगे, पर खाना सबसे पहले होती है। तो यहाँ पे देखिए, पानी डाल दी थी, पानी में भी उबाल आ गया ग्रेवी में, और इसे मैं डालूँगी बड़ी को। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, और डालकर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि ग्रेवी का जो अथी है सब बड़ी में पेस जाए। तो आप लोग देखिए, इतनी अच्छी रेसिपी सब्जी नहीं है, घर में सब्जी हर तरह का उपलब्ध होती है, लोग बाहर से
सब्जी मंगा के खाते हैं, तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ा रखिएगा, चावल के साथ नहीं खाना है तो ग्रेवी आप थोड़ा कम बनाइएगा। लेकिन मैं ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि मुझे चावल रोटी सबके साथ खाना है। तो देखिए यहाँ इतनी लजीज और स्पाइसी सब्ज़ी बनके रेडी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।